तो आपके YouTube चैनल पर जब भी 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम URL सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अभी तक कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन नहीं मिला है तो मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन कैसे मिलता है और कब मिलता है। इनके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है गाइज। उसके लिए 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं, चैनल पर एक बैनर लगा होना चाहिए और चैनल पर लोगो एंड 30 दिन ओल्ड आपका चैनल होना चाहिए। तो दोस्तों यह चार चीज़ें आपके YouTube चैनल पर होनी चाहिए कंप्लीट, उसके बाद आपके चैनल पर कस्टम URL मिल जाता है। अगर आपका चैनल अभी छोटा है और 100 सब्सक्राइबर्स अभी कंप्लीट हुए हैं तो आपको कुछ टाइम लग जाता है कस्टम URL मिलने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा YouTube चैनल अभी छोटा है और YouTube की नज़र बहुत जल्द छोटे चैनलों पर नहीं पड़ती है इसीलिए। तो दोस्तों मैं आपको वैसे जल्द से जल्द हमें कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन मिल जाए उसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल ईजी तरीके से अपना कस्टम URL जल्दी से जल्दी पाने का चांस पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस ट्रिक को बताता हूँ कि आप कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन जल्द से जल्द पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे की प्रोसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने न्यू इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पर YouTube.com टाइप कर देना है, फिर आपको सर्च कर देना है। YouTube.com जैसे ही सर्च करोगे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पर इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में राइट का निशान लगा देना है और उसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन ऐसी खुलकर आ जाएगी जैसा कि लैपटॉप या पीसी या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन खुलकर आती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक लोगो शो होता है साइड में, तो आपको यहाँ पर टच करना है और आपको अपनी जीमेल सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है और उसके बाद आपको योर चैनल का ऑप्शन शो होता है, तो योर चैनल के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन शो होता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने थोड़ा सा जूम भी कर दिया है, अब आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है और दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज यूट्यूब स्टूडियो खुलकर आ जाएगा डेस्कटॉप वर्जन में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे से आप देखिएगा इन ऑप्शनों में आपको नीचे से दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना है। इसका नाम आप देख सकते हो, जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है, तो यानी नीचे के इस ऑप्शन को कस्टमाइजेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर एक और ऑप्शन शो होता है बेसिक इन्फो का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। अब आपको यहाँ पर चैनल URL का एक ऑप्शन शो होता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेट कस्टम URL ऐसा ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमें कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन अभी नहीं मिला है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको आपको थोड़ी सी मेल करनी पड़ेगी YouTube को, जिससे YouTube की नज़र हमारे चैनल पर पड़ जाए और हमें जल्दी से जल्दी कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन मिल जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फीडबैक देना होगा, तो फीडबैक देने के लिए आपको नीचे जाना है और नीचे एक ऑप्शन शो होता है ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने न्यू पेज खुलकर आ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ गया है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको स्क्रीन पर एक सेंटेंस लगा कर दिया है, यह सेंटेंस आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, यानी कि आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर भी लिखकर उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जैसा कि दबा कर रखता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसा कैसे आपको यहाँ पर लिखना होगा और दोस्तों आपको अपने चैनल की लिंक निकाल कर यहाँ पर पेस्ट करनी होगी, इसके साथ में भी सिर्फ चैनल की लिंक आपको चेंज करनी है और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है। तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, नीचे नीचे आप आओगे तो आपको इंक्लूड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन शो होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नीचे टिक मार्क लगाओगे इंक्लूड स्क्रीनशॉट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली लग जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर फाइंड हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ से सेंड करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये सब कुछ मैंने लिख दिया है, वी हैव कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स, तो ऐसा कुछ आपको सब कुछ लिख लेना है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आपको टाइप करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन शो होता है कोने में, जैसा कि मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और सेंड फीडबैक के इस ऑप्शन को दबा देना है, फिर आपका फीडबैक यहाँ पर सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने थैंक यू फॉर द फीडबैक का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे
अब आपका फीडबैक यहाँ पर सेंड हो चुका है। अब आपका यहाँ पर URL सेट करने का ऑप्शन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा। जहाँ कस्टम URL सेट करने का ऑप्शन 1 महीने में मिलने वाला होगा, तब भी वह 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से फीडबैक देने एक ट्रिक होती है, जिससे आपके चांस बहुत जल्दी हो जाता है YouTube से रिलेटेड चीजें आपको जल्द से जल्द प्राप्त होने के लिए, आपके चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी कस्टम URL जल्द से जल्द एलिजिबल करने के लिए ऐसे मेल कर सकते हो, तो आपके चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।